गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी रीड द लेसन नंबर 6, लीव्स इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन की पत्तियाँ। लीव्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट, पत्तियाँ एक पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे आर मेड अप ऑफ द लीफ ब्लैड, सिल्क, लीफ स्टाल्क, मैन वैन, साइड वैन्स एंड द स्टोमाटा, यानी कि वे पत्ती, ब्लैड, पत्ता, ठंठल, डंडल, मुख्य नस, साइड नसों और पेटी से बने होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट साइज्ड लीव्स, यानी कि विभिन्न पौधों में अलग अलग प्रकार की आकार की क्या होती है, पत्तियां होती है। लीफ डाइवर्सिटी, पत्ती विविधता, डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर बट सम लीव्स आर रेड, येलो और ऑरेंज, अधिकांश पत्तियां रंग में हरे रंग की होती है लेकिन कुछ पत्तियां लाल, ना पीले या नारंगी होती है, लाइक एज तुलसी, कॉटन, डार्क मैपल। लीव्स हैव डिफरेंट साइजेस, सम आर स्मॉल एंड सम आर बिग्स, यानी कि ये जो पत्तियाँ होती है इनके साइज होता है वो अलग अलग होता है, कुछ छोटी होती है तो कुछ बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स, और इनकी शेप्स भी अलग अलग होती है। नाउ वी वे आई विल एक्सप्लेन शेप ऑफ डिफरेंट, ये देखो इसके अंदर, ये देखो ये पत्ती जो दे रखी है अपने को, लाइक एज स्टोमाटा, इस स्टोमाटा मीन्स होता है पेटी, यानी कि ये मेन जो हिस्सा होता है इसका, इसको बोलते हैं। ये स्टाल का ये होता है नीचे जो दे रखा है ना, इसको कनेक्ट होता है, ये होता है ठंठल, ठंठल बोलते हैं इसको शुद्ध हिंदी में। नेक्स्ट ये होती है मैन वैन, ये जो बीच में वैन है ये होती है मैन वैन, इसे मैन वैन बोला जाता है। एंड देन मैन वैन से जो साइड वैन निकलती है ये होती है साइड वैन। ओके, नेक्स्ट जो किन्नौर पे होती है ये होती है ब्लैड, ये देखो ये ब्लैड होती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पेज, द लीव्स ऑफ मिंट आर रफ, द लीव्स ऑफ हिबिकस आर सॉफ्ट एंड द लीव्स ऑफ लोटस आर ऑयली। मिंट पत्तियाँ होती है बहुत मोटी मोटे होती हैं, हिबिकस की जो पत्तियाँ होती है वो बहुत ही सॉफ्ट यानी नरम होती है, और जो लोटस की कमल की जो पत्तियाँ होती है वो क्या होती है, ऑयली होती है। द नंबर ऑफ लीव्स इन प्लांट कैन वेरी फ्रॉम ए न्यू फ्यू द थाउजेंड्स, पौधों में संख्या कुछ हजार से भिन्न हो सकती है। बनाना ट्री, मैंगो ट्री, ए बनाना प्लांट हैज़ ए फ्यू लीव्स, यानी कि एक बनाना होता है उसकी कुछ पत्तियां होती है। द नीम एंड मैंगो, द मैंगो ट्रीज हैव सो मैनी लीव्स एंड दैट दे आर डिफ़िकल्ट टू काउंट, और एक नीम और एक मैंगो जैसे पेड़ होती हैं उनके बहुत सी पत्तियाँ होती है, उनको गिनना बहुत ही मुश्किल होता है। लीव्स हैव डिफरेंट स्मेल्स, और पत्तियों में जो अलग अलग मतलब गंध होती है यानी सूंघना जैसे स्मेल होती है उनकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट, लीव्स फूड फैक्ट्रीज ए प्लांट, यानी कि पत्तियों, एक पौधे की पत्तियों के खाद्य कारखानों से मतलब भोजन का स्रोत है। लीव्स आर द सोर्स ऑफ फूड, जो पत्तियां हैं वे खाने का स्रोत भी है। दे मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी कि जो पत्तियां वे क्लोरोफिल नामक एक विशेष हरे रंग के वर्णक की मदद से पौधों के लिए क्या करते हैं, वो भोजन बनाती हैं पौधों के लिए।
एंड पत्ती सॉरी क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप्स एंड सन लाइट हेल्प द लीव्स टू मेक देयर फूड. जो पत्ती में जो क्लोरोफिल सूरज की रोशनी ऊर्जा प्रकाश को फेंक देता है और पत्तियों को अपना खाना बनाने में क्या करता है, मदद करता है. प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एयर वाटर एंड क्लोरोफिल. जो पौधे हैं सूरज की रोशनी से वायु पानी और क्लोरोफिल की मदद से भोजन करते हैं. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोजेनिक. यानी कि इस प्रक्रिया को मतलब प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है. यानी कि जो जिस ग्रीन प्लांट को प्रिपेयर करता है, जो खुद अपना भोजन तैयार करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. किसके, यानी कि सन की हेल्प से, सन लाइट की हेल्प से जो खुद प्लांट होता है वो भोजन करता है, जैसे प्रकाश के संश्लेषण से. नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ए फोटोजेनिक, मतलब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण. लुक हियर इन, ये देखो फोटोजेनिक होता है वाटर प्लस लाइट, केमिकल एनर्जी होती है इक्वल क्या हो जाती है, वाटर प्लस लाइट केमिकल एनर्जी होती है. नेक्स्ट इसके नीचे फर्स्ट नंबर पे क्लोरोप्लास्ट ट्रैप लाइट एनर्जी. ये क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप लाइट एनर्जी होती है. ये जो होती है इन पत्तियों के जो अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये इनको एनर्जी मिलती है. एंड वाटर इंटर द लीफ, और जो वाटर इंटर होता है वो इन से होता है स्टाल्स के अकॉर्डिंग. वाटर लीफ इंटर हो जाता है स्टाल्स के अंदर, ये जो साइड्स वेंस होती हैं इनके अकॉर्डिंग लेते हैं. नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स लीफ थ्रोट स्टोमाटा. ये जो मेन जो स्टोमाटा होता है, यानी कि जो पेट बोलते हैं, जिसको पेटी बोला जाता है पत्ती का, वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है, इंटर्स होता है लीफ के अंदर. एंड देन ये जो होती है ये लाइट एनर्जी होती है. ये यानी कि सन के जो लाइट्स पत्ती के ऊपर आके गिरती है, देन इनसे एनर्जी मिलती है. फोर्थ नंबर होता है शुगर लीव्स लीव, ये जो है पत्तियों के अंदर शुगर लीव्स लीव. देन केमिकल एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल शुगर. ओके, इज दिस प्रोसेस, सॉरी दिस इज ए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट. थैंक यू.